जी हाँ फ्रेंड, एक और लेखपाल की जो है ज्वाइनिंग की डेट आ गई है। जी हाँ, लोक सेवा आयोग से जारी लेखपाल की तो नहीं, लेकिन UK SSSC के द्वारा सर्वे लेखपाल की जो है ज्वाइनिंग की डेट आ गई है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्वे लेखपाल पद कोड इतना संख्या पर चयनित अभ्यर्थियों के जो है संस्तुति प्रेषित किए जाने के संबंध में, तो आप देख सकते हैं उपरोक्त जो विषयक कराना के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड देहरादून रेफरेंस नंबर इतना संख्या पद पर आपका चयन करते हुए आपको जनपद देहरादून में नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु कार्यालय को आपके शैक्षणिक योग्यता आदि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं। आपको सर्वे लेखपाल के पद पर नियुक्ति तैनात करने से पूर्व आपके द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रस्तुत किए गए शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन किया जाना है। इसलिए दिनांक 2 सितंबर को दोपहर 12:10 बजे अपने समस्त मूल शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्र जो आपके द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रस्तुत किए गए हैं, प्रत्येक का एक एक सॉफ्ट प्रमाणित छाया सहित कलेक्टर देहरादून में प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा में आपको कोई देय भत्ता नहीं होगा। आप देख सकते हैं जिला अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राज देहरादून, आप देख सकते हैं ये पद कौन से, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये भर्ती वो है जो सर्वे लेखपाल की आई थी, कलर की जो 746 पोस्टें आई थी उनमें से 56 पोस्टें ये भी हैं। आप देख सकते हैं जिला अधिकारी उधम सिंह नगर, उसके अलावा जिला अधिकारी देहरादून में ये कुल जो है 56 पोस्टें ये आई हुई थी। आप देख सकते हैं इसमें तो ये जिला अधिकारी देहरादून के लिए जो कुल 27 पोस्ट हैं उनके लिए जो है ये आदेश जारी हुआ है। देहरादून के अलावा उधम सिंह नगर का भी जारी हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल पटवारी का भी जल्द ज्वाइनिंग हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।